हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर मैं बात करने वाले इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में होने वाले 42nd मैच का, और ये जो होगा वर्ल्ड कप का लास्ट लीग मैच होगा। तो यहाँ पर मैं बात करते हैं किस तरह से मैसेज हो सकता है, किस तरह से जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये मैसेज जो है ना, वो जितना महत्वपूर्ण इंडिया के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण आप देखोगे कि पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखोगे तो फर्स्ट मैच से लेके इस मैच तक बहुत सारे टीमों को सपोर्ट करते हुए आया है, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह जो है क्वालिफाई कर जाए, और ये चांसेस बन सकता है। साउथ अफ्रीका अपना मैचेज या तो हार जाता है या इंडिया हार जाता है तो चांसेस बढ़ रह जाता है। लेकिन देखो, ये डिपेंडेंसी तो रहेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा पाकिस्तान के लिए अभी के लिए कि वो अपना मैचेज जो है बांग्लादेश से पहले ध्यान दे, उस पर जो है ध्यान दे, क्योंकि वो मैसेज इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ बात करते हैं तो ये मैसेज किस तरीके से हो सकता है और कैसे हो सकता है। अगर दोनों टीमों का आप कंपेयर करोगे तो देखो, T20 का मुकाबला है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैसेज जो है वो वन साइडेड मैसेज होगा या आसान नहीं हो सकता। ये मैसेज जो है काफ़ी आपको जो है वो प्रेशर वाला मैसेज जो है होने वाला है, भले नॉर्मल टीमों के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेशर वाला गेम जो है ये होने वाला है दोनों टीमों के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब तक ये मैच होगा तब तक आप देखोगे कि जो साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का जो मैच है, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, और या जो ये दोनों मैसेज हैं उसका रिजल्ट आ चुका रहेगा कल। तो ये वाला जो मैसेज होगा इसका जो है रिजल्ट आपको आना बाकी रहेगा। अब बात करते हैं किस तरह से होने वाला है, तो हम लोग ये कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े चाहते हो विनर सेशन इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट उठाओ, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, और इससे रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। और साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मैच की अगर बात करते हैं, ये जो है 42nd मैच होने वाला है, और ये जो है लीग मैच का आखिरी मैच होगा। इसके अलावा बात करते हैं संडे को आपको 6 नवंबर को टाइमिंग जो होगा वो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे 1:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और ग्राउंड जो है आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में जो है ये मैच होगा। और मेलबर्न में जो है ये मैचेज आपको जो देखने को मिलेगा, तो मेलबर्न के ग्राउंड के बारे में जो है आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से जो है वो परिचित हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया था। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेले गए जिसमें देखने को मिला कि एक दो मैचेज तो है वो बारिश भी आ गया था। अगर इस मैच में बारिश की चांसेज अगर मैं बात करते हैं कि अगर बारिश आ जाता है तो भी जो है इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, कि बारिश आता है तो एक एक पॉइंट जो है दोनों को मिल जाएगा, और इंडिया का जो है वो 7 पॉइंट हो जाएगा, तो इंडिया बहुत ही आराम से जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ग्राउंड जो है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही हेवी वाला जो ग्राउंड आप कहते हो ना, जिसे बहुत ही बड़ा सा जो है ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। और इस ग्राउंड में आप देखोगे तो आपको देखने ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो रन बनाना थोड़ा सा आसान होता है, यहाँ पे हमने देखा कि रन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही टेक्निकली जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होना चाहिए तभी जो है रन बनता है, और छक्के मारना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं कि छक्के यहाँ पे नहीं लगता है, हमने देखा था हरीश रावत पे भी जो है वो 2 छक्के कोहली ने जो है लगाए थे 19 ओवर में, तो वो जो है छक्के वो बहुत ही संयम के साथ जो है यहाँ पे छक्का लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल है इस ग्राउंड पर बैटिंग करना किसी भी बैट्समैन के लिए, जिस तरह का ग्राउंड है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी आप देखोगे तो आपको जो है देखने मिल रहा है कि जिस तरह का बारिश का कंडीशन बना हुआ है उस हिसाब से जो है यहाँ पे चांसेस जो है यही रहता है कि मैच जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, तो इससे जो है टीमों को नुकसान हो जाती है, या तो मैच फुल होना चाहिए, बिल्कुल बारिश से रद्द हो रहा है तो बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो अभी देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि टोटल जो है वो 16 मैचों में से 6 जो है फर्स्ट पर जीता है, 10 जो है सेकंड पर जीता है। फर्स्ट पर एवरेज अब देखोगे कितना कम है, 143 है, और इसी ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो है रन बनाना बहुत ही मुश्किल है किसी भी टीम के लिए। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट का, तो बारिश के चांसेस जो है वो 40% के आसपास है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पे टेम्परेचर देखोगे तो 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको दिखाई देगा। टॉस की बात करते हैं तो इंडिया के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे टॉस जीते जो है पहले बॉलिंग करे। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो टीम न्यूज में देखोगे तो इंडिया का देख लो जो है ये तो मस्ट विन गेम है इंडिया के लिए, जो है कोई चारा नहीं है एक मतलब पूर्ण रूप से क्वालिफाई कर जाने के लिए, कि बहुत अच्छे से जो है क्वालिफाई कर जाए तो एक बहुत ही अच्छा सा चांस है। इसके अलावा जिम्बाब्वे की बात करते हैं, जिम्बाब्वे में जो है वो एक दिन उन्होंने एक अपसेट जो है वो श्रीलंका पाकिस्तान को दे दिया था, पाकिस्तान को हरा के, तो एस्पिस यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे कि ये जो है एक बहुत ही बढ़िया सा जो है गेम हो उनके लिए, और अगर जीतते नहीं भी है तो काफ़ी क्लोज जाएंगे, इंडिया को जो है थोड़ा सा ट्रबल दे, परेशान करें। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में, तो किसको किसको जो आपको पिक करके चलना चाहिए, कौन कौन सा जो है अच्छे फॉर्म में है, तो लास्ट मैच के अगर रिकॉर्डिंग आप देखो तो के राहुल का फॉर्म अच्छा है, कोहली का फॉर्म अच्छा है, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा है, हार्दिक पांड्या का जो पिछले 1-2 मैच में उतना रन अभी देखने को मिला नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्म में है आप नो डाउट। आप हार्दिक पांड्या को परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे
तो पिछले अगर एक दो मैच उठा के देख लो तो बॉलिंग में भी उतना अच्छा अभी नहीं हो रहा है, हालांकि रन रेट नहीं लग रहा है, लेकिन विकेट तो है एकदम मिल जाता है। रन रेट थोड़ा सा कम कम नहीं रह रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो के राहुल का लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा जो है वो एक परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इसके अलावा रोहित शर्मा परफॉर्मेंस जो है एक मैच में आया हुआ है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि जो आने वाला मैच होगा उसमें आपको रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस और दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस जो अभी किसी को देखने को नहीं मिला था, दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस जो है देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि यही जो है प्लेयर से जो अभी तक जो है परफॉर्म नहीं किए हैं। और अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको जो है 11 प्लेयर जो है वो पूरा परफॉर्म करने चाहिए, जिसमें से आप देखोगे कि अगर इसमें देखा जाए तो सारे प्लेयर जो है अभी कहीं ना कहीं अपना काम जो है कर चुके हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल का जो परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा लोगों को देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अश्विन को भी जो है थोड़ा सा बहुत मार पड़ रही है, तो ये जो है थोड़ी सी कमी जो है वो इंडिया में ये तीन प्लेयर्स अभी जो है वो हैं, लेकिन ये जो है धीरे धीरे जो है वो कोशिश करेंगे सेमीफाइनल तक जाने से पहले जो है सारे फॉर्म में आ जाए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आप देखोगे तो क्रेग विलियम का फॉर्म जो है वो अच्छा है, इसके अलावा सीन विलियम्स का अच्छा है, सिकंदर राजा का जो है बहुत ही बढ़िया से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग में। जिस दिन बॉलिंग में नहीं परफॉर्म करते बैटिंग में परफॉर्म करते हैं, जिस दिन बैटिंग नहीं करते बॉलिंग में कर देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग मुजरबानी है, मुजरबानी के परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है, रियान बर्ग भी जो है वो भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप इन सारे प्लेयर्स को जो है पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा टीम में टीम अभी देखेंगे तो इसमें जो है आपको आइडिया हो जाएगा किसको जो है आपको पिक करके अच्छे से चलना है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिसेंट अगर देखो तो इंडिया रिसेंट 5 मैचों में से 4 जीता है 1 हारा है, और जिम्बाब्वे जो है रिसेंट 5 मैचों में से देखोगे तो 2 जीता है 2 हारा 1 जो इनका नन रिजल्ट हुआ है। और हेड टू हेड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि इंडिया जो है सारे मैचेज आप जिम्बाब्वे से जीता है, लेकिन अगर T20 में देखोगे तो जो 7 मैचेज हुए उनमें से जो है 5 इंडिया जीता है, 2 जो है वो जिम्बाब्वे जीता है इंडिया से। लेकिन अब यहाँ पर ये बातें होती है कि जिम्बाब्वे में जो इंडिया का फुल स्क्वाड है वो कभी नहीं जाता है, ये आप सभी को पता होगा कि जैसे पाकिस्तान अपना टूर जिम्बाब्वे करता है तो पूरे फुल स्क्वाड के साथ जो है वो जाते हैं, लेकिन इंडिया जो है कभी अपना फुल स्क्वाड नहीं भेजता है, ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे बी टीम में जो है इंडिया भेजता है जिन्होंने जो ये मैचेज हारे हैं। अब यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से जो है दबाव डालते हैं या फिर जो है एक अलग लेवल का होगा, लेकिन मेरा जो मानना है ये मैच ऐसा होने वाला है कि ये मैच जो है बहुत ही क्लोज मैच होगा और एक बहुत ही इंटेंस मैच जो है वो होगा, हालांकि जीत जो है आपको इंडिया की होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं डीम टीम को, लेकिन उससे पहले अभी तक जो है मुझसे नहीं जुड़ती है जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, और साथ में आप कॉल फ्री डिस्कस करके टेलीग्राम भी जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और चलो एक बार डीम टीम जो है डिस्कस कर लेते हैं और फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो बात करते हैं एक बार टीम लेवल टीम की, तो अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर की बात करते हैं तो विकेट कीपर में देखो ना ही अभी दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है, और इसके अलावा जगबागा का जो है इन्होंने जो है वो क्वालिफायर मैच भी खेल कर रहे हैं, तो इसलिए परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद करके चलेंगे कि दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने को मिले इस मैच में। बैटिंग की बात करते हैं तो कोहली का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा है, केएल राहुल लास्ट मैच में फॉर्म में आया था तो आप लेके चल सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो सी एरी खेन का फॉर्म में जो है वो ठीक है, लेकिन जिस तरह का ग्राउंड है हमें इतना बैट्समैन पिक नहीं करना चाहिए। और ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक को ले लेते हैं, विलियम्स को लेते हैं और राजा को ले लेते हैं, तो ये जो है परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, इनको हमने पिक कर लिया है। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे तो अर्शदीप को जो है, इसके अलावा मुजरबानी को जो है, और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे भुवनेश्वर के लिए जो है बहुत बढ़िया जो है ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह का ये ग्राउंड है स्विंग बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा शमी को भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छा जो है ग्राउंड देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग कार्तिक को हटा के जो है ये छगबरार को जो है आप चाहो तो विकेट कीपर ले सकते हो, या फिर यहाँ से आप किसी एक बैट्समैन को जो है हटा के आप शमी को भी जो है पिक कर सकते हो, तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए जो हम लोग यही टीम रहने देते हैं। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन जो है मैं यहाँ पे अभी के लिए हार्दिक पांड्या को बना खेलता हूँ, तो जिस तरह का ग्राउंड है उनके लिए बैटिंग भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल तो जो है वो सभी के लिए होगा, लेकिन बैटिंग में जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया हुआ है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ याद होगा। इसके अलावा बॉलिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका था यहाँ पे, तो हम लोग लेके चल देते हैं। और वाइस कैप्टन के तौर पे आप कोहली को ले सकते हो, या फिर सूर्य कुमार यादव को, या फिर जो है आपको केएल राहुल को, लेकिन इस ग्राउंड का जो सबसे ज़्यादा अनुभव है वो है कोहली को, तो हम लोग कोहली को जो यहाँ पर पिक कर लेते हैं। और यहाँ से जो है देख सकते हो टीम प्रीव्यू, या फिर जो आप चेंज करना चाहते हो कैप्टन वाइस कैप्टन में तो आप अर्शदीप को जो है वो वाइस कैप्टन में बना चल सकते हो, जिस तरह का ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है यहाँ पे होंगे, तो आप उनके साथ भी जो है वो जा सकते हो। लेकिन ये चीज़ें जो है आपको मैंने सारी जो है सीनरियो है वो बता दिया है जिनको जो है आप यहाँ पे बना सकते हो लेके चल सकते हो। तो ये जो है अभी के लिए टीम है, और इस टीम के साथ आप कोई भी लीग जो है खेल सकते हो। इसीलिए आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।